हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल आई एम चैतन्य और जो लोग पहली बार देख रहे हैं फटाफट से सब्सक्राइब कर दो सो इन दिस वीडियो आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू क्लियर योर सीएस एग्जाम्स विद सेल्फ स्टडी ठीक है क्योंकि यार मैंने भी सेल्फ स्टडी से ही किया था तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना थोड़े बहुत मैं प्रिंसिपल्स के बारे में बात करूंगा दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ सी एग्जीक्यूटिव एंड सी प्रोफेशनल ठीक है पहली थिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट योर स्टडी मटेरियल यार स्टडी मटेरियल जो है तुम्हारे पास पूरा होना चाहिए एंड द वन दैट यू कैन टोटली रिलाई ऑन तो स्टडी मटेरियल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं बता देता हूं पहली चीज तुम्हारे पास मॉड्यूल होना चाहिए दैट इज फिजिकल फॉर्म ऐसा नहीं कि वर्चुअल वन जो पी आता है नहीं तुम्हारे पास फिजिकल मॉड्यूल होना चाहिए क्योंकि कभी भी कुछ भी रेफर करने के लिए मॉड्यूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है देन सेकेंड इज नोट्स कोई भी अच्छी अकेडमी के तुम नोट्स खरीद लो बिकॉज नोट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग योर सेल्फ स्टडी क्योंकि देखो यार हम पहले ही कोचिंग तो ले नहीं रहे हैं ठीक है आई नो मॉड्यूल इज़ अ वेरी यू नो कॉम्प्रीहसिव थिंग बट नोट्स होने से एक अच्छी हेल्प हो जाती है सो डेफिनेटली बाय नोट्स फ्राम अ गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट ठीक है उससे तुम्हें सिंप्लीफाई हो जाती है चीज़ें समझने में आसानी होती है एंड खुद से जब पढ़ते हैं हम तो उसमें थोड़ा बुलेट पॉइंट वाइज ऑल दैट चीज़ें दी हुई रहती हैं तो काफ़ी अच्छा हो जाता है इंटरप्रेट करने में नेक्स्ट इज आई बहुत सारे अमेंडमेंट्स जो भी अपलोड करती है उसकी वेबसाइट पर डाउनलोड दोज अमेंडमेंट्स एंड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दोज क्योंकि फिजिकल फॉर्म में होना तुम्हारे सामने इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद बात आती है स्कैनर की स्कैनर दो है टैक्समैन एंड सुचिता तुम दोनों में से कोई भी खरीद सकते हो अगर तुम्हारे पास मान लो टाइम है लाइक छः महीने आठ महीने है तो गो फॉर टैक्समैन क्योंकि बहुत इलेबोरेटिव रहता है नेक्स्ट इज सुचिता अगर मान लो तीन या चार महीने ही बचे हैं गो फॉर सुचिता बोथ आर गुड इन दैम सेल्व बट हाँ अकॉर्डिंग टू द टाइम यू कैन डिसाइड कि कौन सा रेफर करना है मैंने पर्सनली सुचिता रेफर किया था क्योंकि मेरे पास टाइम कम रहता था लाइक यार दो तीन महीने में क्लियर करना है तो आई यूज टू गो फॉर सुचिता एंड लास्ट इज सजेस्टेड आंसर्स सो एट लीस्ट पिछले दो अटैम्प्ट के सजेस्टेड आंसर्स डाउनलोड करके टेक अ प्रिंट आउट ऑफ देम स्टडी देम क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं क्या पैटर्न है कैसे लिखा हुआ है कैसे आंसर्स दिए हुए हैं क्या आई आपसे एक्सपेक्ट करता है सो दैट वॉज अबाउट द स्टडी मटेरियल एंड मेक श्योर यू हैव दैट पर्टिकुलरली फॉर एवरी सब्जेक्ट एक सेट बना होना चाहिए एंड उस पर्टिकुलर सेट को ही रेफर करना थ्रू आउट योर प्रिपरेशन ठीक है नेक्स्ट आते हैं कंसेप्ट क्लैरिटी की ठीक है यार देखो तुम पहली चीज सेल्फ स्टडी करने वाले हो राइट right? तो कंसेप्ट क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट मुझे पता है कुछ कुछ कंसेप्ट तुम पढ़ोगे तुम्हें समझ में नहीं आएगा इट विल बी लाइक टू डिफिकल्ट फॉर यू टू यू नो डिसाइफर अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए क्या करना है यूट्यूब पे जाना है एंड राइट दैट पर्टिकुलर टॉपिक बहुत सारे तुम्हें वीडियोस मिल जाएंगे अच्छा, बहुत सारे टीचर्स ने डाले हुए होंगे सो मेक श्योर यू डू दैट ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि पढ़ लिया कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा एंड यू स्किप इट नहीं बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि सही बार सेल्फ स्टडी का एक ही डिसएडवांटेज होता है हम चीज़ें स्किप कर देते हैं एंड अगर वो एग्जाम में आ जाती है तो वी लूज मार्क्स देयर सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम जो भी पढ़ रहे हो जहाँ से भी पढ़ रहे हो मॉड्यूल से पढ़ रहे हो नोट से पढ़ रहे हो कंसेप्ट क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेक श्योर यू कैरी योर हाईलाइटर और योर पेंसिल हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट की वर्ड्स हाईलाइट द प्रोविजन्स ट्राई टू रिमेम्बर द सेक्शन नंबर दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू डू इन योर सेल्फ स्टडी क्योंकि सेल्फ स्टडी में तुम्हें कोई बोलने वाला नहीं रहेगा कोचिंग में क्या रहता है कि भाई टीचर तुम्हें बार बार रिमाइंड करता है सेक्शन पढ़ो ये पढ़ो यहाँ से ये पढ़ना है यहाँ से वो पढ़ना है ऑल दैट बट सेल्फ स्टडी में थोड़ी ना कोई आके बोलने वाला है इट्स यू हुईड कि मेरे को क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम एक स्ट्रैटेजी बनाओ ठीक है नेक्स्ट थिंग इज दैट ओनली कि स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन स्ट्रैटेजी बनाने इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर सेल्फ स्टडी क्योंकि यार देखो तुम अगर खुद से डिसिप्लिन नहीं रहोगे देन देर इज नो वन कमिंग टू सेव यू ठीक है तो खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ मैं बताता हूँ कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है स्ट्रैटेजी बनाने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल तुम कितने ग्रुप्स दे रहे हो एक ग्रुप दे रहे हो दो ग्रुप दे रहे हो एंड इफ़ यू आर इन प्रोफेशनल तीन ग्रुप दे रहे हो तुम्हें दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वो डिसाइड करना है जब डिसाइड हो गया एक ग्रुप देना है दो ग्रुप देना अकॉर्डिंग टू दैट डिफाइन करो कि यार तुम्हारे लिए कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल है कौन सा इजी है कुछ लोगों को थ्योरी अच्छे से आती है कुछ लोगों को प्रैक्टिकल अच्छा है कुछ लोगों को मतलब टैक्स बहुत अच्छे से आता होगा बट ई जैसे सब्जेक्ट्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है सो so, कैसे टैकल करना है तो हमेशा याद रखना पहले हार्ड सब्जेक्ट को पहले लो क्योंकि दैट विल कंज्यूम योर मोर टाइम तो हमेशा अगर टैक्स तुम्हें मुश्किल रह रहा है स्टार्ट विथ टैक्स उसको अच्छे से पढ़ो कंसेप्ट क्लियर करो यूट्यूब पर वीडियोज़ देखो जो भी है मेक श्योर यू क्लियर दैट नेक्स्ट थिंग इज डिवाइड योर रिमेनिंग डेज मान लो दो महीने बच्चे हैं सिक्सटी डेज है तो सिक्सटी डेज में कैसे करना है तो सेग्रीगेट योर डेज सब्जेक्ट वाइज कि यार इस दिन में मैं ये दो सब्जेक्ट पढ़ूंगा या अगर तुम एक सब्जेक्ट पढ़ना प्रेफर करते हो सो यू विल रीड वन सब्जेक्ट ओनली राइट सो डू दैट फॉर्मुलेट योर स्ट्रेटेजी मैंने स्ट्रैटेजी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोड करी है मेक श्योर यू गो चेकआउट दोज वीडियोज़ इट विल रियली हेल्प यू आउट एंड लास्ट नॉट बट नॉट नॉट बट द लीस्ट राइटिंग प्रैक्टिस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू डू द राइटिंग प्रैक्टिस क्योंकि यार राइटिंग प्रैक्टिस है ना बहुत ज़रूरी होती है उससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है एंड इट हेल्प्स यू टू नो वेयर डू यू स्टैंड राइट नाउ तुम्हें तुम्हारी औकात बता देती है राइटिंग प्रैक्टिस एंड टेस्ट सीरीज क्योंकि यार इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि भाई मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है मैं तीन घंटे में एग्जाम पूरा लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा ऑल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो मेक श्योर यू डू राइटिंग प्रैक्टिस बिफोर योर एग्जाम्स एटलीस्ट लाइक 15, 20 डेज सो दैट कि बचे हुए दिन में तुम उस पर्टिकुलर चीज को इंप्रूव कर पाओ कहाँ पे कौन सा टॉपिक तुम्हारा वीक है यू कैन फोकस ऑन दैट एंड ऑल दीज ठीक है सो दीज वर द ब्रॉड

एंड मेक शोर यू हैव यू नो थिंग्स क्लियर इन योर माइंड कि ये ये पढ़ना है ऐसे पढ़ना है दैट्स इट इफ यू गेट दैट क्लैरिटी यू डोंट नीड टू गो टू एनी कोचिंग और एनी थिंग यू कैन क्रैक सी यर्स विद योर सेल्फ स्टडी एंड दैट्स वॉट आई डिड आई न्यू कि मुझे क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है कहाँ से क्या करना है क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है एवरी थिंग जब ये चीजें दिमाग में क्लियर हो जाएंगी तो यू विल बी